जरूरी सूचना, इस वीडियो का मकसद जातिवाद को फैलाना नहीं है। इस वीडियो का मकसद लोगों को जाति प्रति जानकारी देना है। चमार शब्द का प्रयोग यहाँ जानकारी देने के लिए किया गया है, ना ही किसी का अपमान करने के लिए। हम सभी जातियों का सम्मान करते हैं और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। मैं हूँ आपका दलवीर दोसांझ। तो आप देख रहे हैं इनकलाब जिंदाबाद। तो दोस्तों, जैसे मैंने शुरू में बोलता हूँ, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, जय हिंद, ये चीज़ें मैं बोलता हूँ। अलग अलग समाज के लोग हैं, जैसे हमारे हिंदू धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, बौद्ध धर्म है और मुस्लिम धर्म है। तो आजकल मैं आपको इनकी गोत्रों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, रविदासिया समाज, जाटव समाज और चमार जाति के बारे में मैंने गोत्रों की जानकारी दी है। अलग अलग स्टेटों में कितने, क्या क्या उनकी जनसंख्या है, क्या क्या नाम से उनको पुकारते हैं, उनकी उपजातियां, जो उनके उपनाम, जो सरनेम है, वो क्या क्या हैं, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे से कमेंट भी लिखते हैं और अच्छे कमेंट लिखा कीजिए, जिससे के साथ लोगों को कुछ जानकारी भी मिल सके। ये सारी जानकारी मैं खोज कर लेकर आता हूँ गवर्नमेंट की साइट से, कुछ बुक में से, ऐसे पढ़ कर ही मैंने लोगों से पूछ कर फिर मैं उस चीज़ को आपके आगे लेकर आता हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि मुस्लिम भाइयों के, मुस्लिम चमार भाइयों के गोत्र क्या होते हैं। और जैसे सिख रविदासी होते हैं और रामदासी होते हैं, उसके बाद चमार भी कहते हैं और उसके बाद हम जाटव भी कहते हैं। तो ऐसे मुस्लिम जो समाज है उसमें भी मुस्लिम चमार होते हैं, उनके गोत्रों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटी वाला बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँ और आपको उसका आनंद आता रहे, आपको उसकी नॉलेज मिलती रहे। मेरा जो वीडियो डालने का काम है वो ये नहीं है कि जातिवाद को बढ़ावा देना। मेरा तो ये है कि हिंदू, सिख, ईसाई, हम हैं सब भाई भाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हम गानों में पढ़ते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम हैं सारे भाई भाई। तो मानस की जात सभी एक ही पहचान, वो सभी लोग एक जैसे हैं, हर एक के खून एक जैसा है। तो ऐसे ही ये जातियों के नाम पड़े हुए हैं, उपनाम पड़े हुए हैं, उसकी हम लोग जानकारी देते हैं। हर कोई जानना चाहता है कि हमारे पूर्वज कौन थे, हमारा गोत्र क्या है, हमारी कितनी जनसंख्या है। तो उसके बारे में हम लोग बात अगली वीडियो में करेंगे। तो आज मैं आपको मुस्लिम चमार भाइयों के गोत्र बता रहा हूँ, आइए देखते हैं उनकी लिस्ट। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये लाल बटन को दबा देना और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना। ऐसे ही हमारे साथ बने रहना जी। इनकलाब जिंदाबाद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।